अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं इमरान ने वीलॉग्स और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से लेकर 2025 का जो साइकिल है उसका आगाज हुआ जाता है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला स्क्वाड जो श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान सीरीज खेल रहा है दो मैचों की जुलाई में, उसका जो स्क्वाड है वो अनाउंस हो चुका है और पाकिस्तान ने इस साइकिल में 3 अवे सीरीज और 3 होम सीरीज खेलनी है और ये अवे सीरीज पाकिस्तान खेलेगा श्रीलंका में जाके और वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि कंडीशन एशिया कप के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जहां पर पाकिस्तान ने ये टेस्ट सीरीज खेलनी है वहां पर ही एक माह बाद जो है वो एशिया कप भी खेलना है। तो सबसे पहले आपको स्क्वाड बताते हैं, बाबर आजम इसमें कैप्टन है, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, शान मसूद, अबरार अहमद, साउद शकील, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान, हसन अली, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, नोमान अली, मोहम्मद हुरैरा, आमिर जमाल और मोहम्मद नवाज। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्क्वाड जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अनाउंस हुआ है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि मोहम्मद हुरैरा और आमिर जमाल ये बहुत इंटरेस्टिंग इंक्लूजन्स हैं। डोमेस्टिक से पाकिस्तान ने इनको इंक्लूड किया है टीम में और बहुत ही ये यंगस्टर्स हैं और काबिल यंगस्टर्स हैं। और मोहम्मद नवाज के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। मोहम्मद नवाज जो है वो काफ़ी अरसे से विदाउट परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं और एक बार फिर उनका नाम आया है और यूटिलाइज इनको किया नहीं जाता है क्योंकि नोमान अली आपके पास मौजूद हैं, वो आपके फ्रंट लाइन स्पिनर हैं, तो मोहम्मद नवाज की इस टीम में कैसे जगह बनती है ये जस्टिफाई नहीं करता है। इसके अलावा आमिर जमाल ने जो लास्ट टाइम जिम्बाब्वे के खिलाफ 7 मैचों की सीरीज हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, पाकिस्तान ए टीम की, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और अच्छे बॉलर हैं। इसके अलावा कायदे आजम ट्रॉफी में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं इनकी, तो इनका जो इंक्लूजन है फास्ट बॉलर एक और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिल चुका है, तो देखना होगा इनकी परफॉर्मेंस कैसे होती है अगर इनको मौका मिलता है क्योंकि इस टीम में हसन अली भी मौजूद हैं। हसन अली भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कमबैक कर रहे हैं और बहुत ही आपको पता है एक ज़बरदस्त बॉलर हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक्सपीरियंस भी है इनको और शाहीन अफरीदी इनके साथ नहीं होंगे एक फास्ट बॉलर, तो इनकी जगह बनती है नहीं बनती ये तो टाइम में बताएगा आमिर जमाल की। लेकिन इसके अलावा नसीम शाह भी इस टीम में मौजूद हैं, तो ये 3 जो बॉलर्स हैं पाकिस्तान के, हसन अली, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह, इनके होते हुए आमिर जमाल कैसे टीम में जगह बनाते हैं ये देखने के काबिल होगा। और आगा सलमान की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी लास्ट पाकिस्तान के होम समर में, इसलिए उनको टीम में शामिल किया गया है। सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान 2 पाकिस्तान के पास विकेट कीपर होंगे, मोहम्मद रिजवान फर्स्ट प्रायोरिटी पर खेलेंगे, सरफराज अहमद जो है वो उनका बैकअप होंगे, लेकिन मेरी राय के मुताबिक सरफराज अहमद को मौका मिलना चाहिए। मोहम्मद रिजवान की जो परफॉर्मेंस है टेस्ट में इतनी खास नहीं है, तो देखते हैं दोनों में से कौन खेलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बाबर आजम कैप्टन है तो मोहम्मद रिजवान को ही वो प्रेफर करने वाले हैं। इसके अलावा अबरार अहमद एक मिस्ट्री स्पिनर है, तो हमारे पास 3 ज़बरदस्त स्पिनर्स आ गए हैं, अबरार अहमद हैं, इसके अलावा मोहम्मद नवाज और नोमान अली, तो ये ज़बरदस्त एक होगा। और श्रीलंका के बीचों में अबरार अहमद का जो रोल है मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये मिस्ट्री स्पिनर है पाकिस्तान के, तो अच्छी परफॉर्मेंस इनसे उम्मीद लगाई जा सकती है। इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद जो हैं वो हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, इसमें शान मसूद तो ओपनर हैं, बाबर आजम जो है मिडिल ऑर्डरिंग में इसमें बैटिंग करेंगे, तो एक बहुत ही बैलेंस स्क्वाड मुझे लग रहा है। साउथ शकील भी इसमें मौजूद हैं जो कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं, तो पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है बहुत ज़बरदस्त है, पाकिस्तान का जो बैटिंग लाइनअप है वो बड़ी ज़बरदस्त है, इसके अलावा बॉलिंग लाइनअप बहुत कमाल की है और जो स्पिनर्स का कॉम्बिनेशन है, तो एक ओवरऑल बहुत ही अच्छा मुझे ये स्क्वाड लगा है, तो बहुत ही एक बैलेंस स्क्वाड है। जो डिजर्विंग प्लेयर्स थे वही थे, बस एक प्लेयर का मुझे इसमें इख्तलाफ है वो है मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज किस हिसाब से टीम में है ये तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही बता सकता है, लेकिन ओवरऑल जो लास्ट टाइम पाकिस्तान ने मिस्टेक की थी कि पाकिस्तान के पास जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए 2023-21 से लेकर 2023 के साइकिल में, जिसमें पाकिस्तान ने जो होम सीरीज है उसका जो एडवांटेज है वो ज़ाया किया और इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो 3-0 हार गए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान होम में हार गए और न्यूजीलैंड के खिलाफ ड्रॉ करे, तो 3 अपनी सीरीज जो है मेन होम की वो उसमें से एक भी नहीं जीत पाए, तो एक बहुत ही बुरा स्टार्ट था। लेकिन ये अब मौका है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान ने अवे सीरीज खेलनी है इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर 3 मैचों की, वो तो मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है, पाकिस्तान हो सकता है 3-0 ही हारे हमेशा की तरह, लेकिन ये जो दो टेस्ट मैचेस हैं इसमें पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उससे काफ़ी अच्छी उम्मीद लगाई जा सकती है और पाकिस्तान को असूलन तो अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से ये दोनों मैच जीतने चाहिए क्योंकि श्रीलंका की टीम जो है वो इतनी कोई अच्छी परफॉर्मर नहीं है इस टेस्ट मैचों में आजकल, तो पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि इसमें से
कुछ ना कुछ जो है बेहतरी निकाली जाए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया जाए और इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का फाइनल देखने को मिले हमें टेस्ट में, क्योंकि विराट कोहली का 20 सालों का करियर हो चुका है, ऑलमोस्ट 15 सालों का करियर हो चुका है और उसमें पाकिस्तान इंडिया के साथ उन्होंने एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है। तो एक जनरेशन है जो पाकिस्तान इंडिया के टेस्ट मैचेस को मिस कर रही है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास जो होम सीरीज आने वाली है वो इंग्लैंड के साथ है और अवे सीरीज भी इंग्लैंड के साथ है। बहुत ही ज़बरदस्त जो है पाकिस्तान का साइकिल है इस बार। अब देखते हैं कि टेस्ट में बाबर आजम कैसा परफॉर्म करते हैं, अपनी टीम को कैसे लेड करते हैं। तो चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।